नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव को देखकर अगर बात की जाए, भले ही अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन चुनावी गर्माहट महसूस की जाने लगी है। सभी दलों के नेता अपने विपक्षी गण में सेंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं और सभी की कोशिश है कि अवध की गद्दी पाए। इसके लिए अपने अपने स्तर पर जोड़ तोड़ समीकरण बनाने की कोशिशें की जा रही है और एक एक सीट पर हर दल फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। अब सीतापुर भी इससे अछूता नहीं है। आज हम बात करेंगे सीतापुर जिले के अब तक के सियासी माहौल की और यहां किस किस की दाल गली। लेकिन इससे पहले ये देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सूबे की राजधानी से सटे सीतापुर जिले को राजनीतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जाता है। इस जिले में जहां नैमिषारण्य और मिश्रिक जैसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं, तो वहीं दूसरी ओर यह जिला देश और विदेश में पसंद की जाने वाली दरियों के निर्माण का केंद्र भी माना जाता है। सीतापुर का आंख अस्पताल और प्लाईवुड फैक्ट्री भी इस जिले की पहचान है। पद्मश्री और पद्मभूषण से सम्मानित डॉक्टर महेश प्रसाद मेहरी की ओर से स्थापित इस अस्पताल में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक आ चुके हैं। सीतापुर, सीता की भूमि, सीतापुर, सीता की भूमि और रहस्य, इतिहास, संस्कृति, धर्म, पौराणिक कथाओं और सूफियों से पूर्ण एक शहर है। ये शहर अपने पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण भारत में प्रसिद्ध है। इसके नाम के लिए कोई आधिकारिक विवरण नहीं है, लेकिन परंपरागत बातें सीतापुर को भगवान राम की पत्नी देवी सीता के नाम पर इस जिले का नाम रखा गया। ऐसा कहा जाता है कि तीर्थ यात्रा के समय इस स्थान पर देवी सीता भगवान राम के साथ थी। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने सीता की याद में इस शहर की स्थापना की। हालांकि वास्तव में सीतापुर शहर की स्थापना कब हुई, ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। इस जिले का मुस्लिम राज्य सूफी संतों और महाभारत और रामायण में पौराणिक संदर्भों में एक मजबूत इतिहास रहा है। इसके अलावा सीतापुर ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या है खास? सीतापुर जिले में कई प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल भी हैं। विशाल पार्क, ऐतिहासिक इमारतें, अनेक धार्मिक स्थल हैं, जो पर्यटकों को सीतापुर की यात्रा, सीतापुर भ्रमण या फिर सीतापुर दर्शन के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन जितना ये शहर पर्यटकों को आकर्षित करता है, उतना ही ये शहर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चित है। 9 विधानसभाओं के लिए ये शहर सभी राजनीतिक पार्टियों का केंद्र बन जाता है। ऐसे में अब देखना होगा कि 2022 में इस जिले में किसको जीत मिलती है और किसको हार का सामना करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। सूबे की राजधानी से सटे सीतापुर जिले को धार्मिक दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जाता है, उतना ही इस जिले का राजनीतिक गलियारों से भी महत्वपूर्ण जोड़ है। सीतापुर जिले में 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें मोहली, सीतापुर, हरगांव, लहरपुर, विश्वा, सिवता, महमदाबाद, सिधौली और मिश्रिक शामिल है। कल हमने बात की थी सीतापुर के जिले की 4 विधानसभा सीटों की। आज हम जानेंगे सीतापुर जिले की बाकी की 5 विधानसभा सीटों के समीकरणों के बारे में, जिनमें बिस्वा, सेवता, महमूदाबाद, सिधौली और मिश्रिक शामिल है। ২০১৭ में सीट पर कमल खिला और बीजेपी के महेंद्र सिंह ने जीत हासिल की और सपा के अफजाल कौसर को 10,235 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा।
2012 में सीट पर सपा की साइकिल दौड़ी और सपा के राम यादव ने जीत दर्ज कराई और वहीं बसपा के निर्मल वर्मा को 7,349 वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा। सीतापुर जिले के बिसवा विधानसभा में आजादी के बाद पहला चुनाव 1957 में हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस के गणेशी लाल और सुरेश प्रकाश सिंह विधायक बने। इस चुनाव में 1962 में जनसंघ के गया प्रसाद विधायक चुने गए और 1967 में बीजेएस के गया प्रसाद दूसरी बार विधायक बने। 1969 में कांग्रेस के कृपा दयाल ने बाजी मारी और वहीं 1974 में बीजेएस और 1977 में जनता पार्टी से गया प्रसाद लगातार दो बार फिर विधायक चुने गए। इस सीट पर सियासी समीकरण बदले लेकिन कांग्रेस फिर मजबूत हुई। इसके बाद 1980 में राम कुमार भार्गव और फिर लगातार तीन बार पद्म सेठ कांग्रेस से विधायक बने। 1993 में इस सीट से सपा ने अपना खाता खोला और सुरेंद्र पाल सिंह यहां से विधायक बने। हालांकि 1996 के चुनाव में वो जीत दोहरा नहीं सके और बीजेपी ने यहां कब्जा कर लिया। इस सीट पर अजीत कुमार ने जीत हासिल की। इसके बाद 2002 में सपा के रामपाल यादव, 2007 में बसपा से निर्मल यादव विधायक बने, 2012 में सपा से फिर रामपाल यादव विधायक बने और वही 2017 में बीजेपी के महेंद्र सिंह ने जीत हासिल की थी। बिसवा का सियासी समीकरण आपको बता रहे हैं। 2002 में सपा के रामपाल यादव इस सीट पर काबिज हुए थे, 2007 में बसपा से निर्मल यादव विधायक बने थे, 2012 में सपा से फिर रामपाल यादव विधायक बने, 2017 में बीजेपी के महेंद्र सिंह ने जीत हासिल की। इस सीट पर पहला चुनाव 1957 में हुआ था, जहां 1957 में कांग्रेस के गणेशी लाल और सुरेश प्रकाश सिंह जीते थे। 1962 में जनसंघ के गया प्रसाद विधायक चुने गए, 1967 में बीजेएस के गया प्रसाद दूसरी बार विधायक बने, 1969 कांग्रेस के कृपा दयाल ने बाजी मारी। और 2017 में इस सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया और ज्ञान तिवारी यहां से बसपा के मोहम्मद नासिम को 43,659 से हराकर विधायक चुने गए। 2012 में सीट पर सपा के महेंद्र कुमार सिंह ने जीत हासिल की और कांग्रेस के अम्मार रिजवी को 2,447 वोटों से हार मिली। सीतापुर जिले के सेवता सीट 2012 के पहले बेहटा विधानसभा क्षेत्र में आती थी। 2012 पर सीमन के बाद इस सीट का गठन हुआ। इस सीट पर पहली बार चुनाव 2012 में हुआ। 2012 के विधानसभा चुनाव में यहां से सपा के महेंद्र सिंह ने जीत हासिल की। 2012 चुनाव में इस सीट पर 12 प्रत्याशी चुनाव में उतारे गए। 2017 विधानसभा चुनाव में मोदी लहर चली थी, जिसमें बीजेपी के ज्ञान तिवारी ने बसपा को मोहम्मद नसीम को हराकर यहां पर कब्जा किया। और आपको ये भी बता दें, अगर बात करें इस सीट पर कुल मतदाताओं की, तो सीट पर कुल मतदाता 3,25,000 है। सेफ्ता का सियासी समीकरण आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 2012 में सपा के महेंद्र सिंह ने यहां से जीत हासिल की थी। 2017 की बात की जाए तो बीजेपी के ज्ञान तिवारी ने इस सीट पर कब्जा किया था। इस सीट पर कुल मतदाता 3,25,000 है। सेवता सीट 2012 के पहले बेहटा विधानसभा में आती थी। 2012 परिसीमन के बाद इस सीट का गठन हुआ। और 2017 में सीट पर साइकिल दौड़ी और सपा के नरेंद्र सिंह वर्मा इस सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे और बीजेपी के आशा मौर्य को 1,906 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। 2012 में इस सीट पर सपा के नरेंद्र सिंह वर्मा विधायक बने और वहीं बसपा के अहमद अंसारी को 19,589 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा।
महमूदाबाद विधानसभा सीट पर पहली बार 1962 में चुनाव हुआ था। इस चुनाव में शिवेंद्र प्रताप जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़े और विधायक बने। 1967 में बी प्रसाद एसएसपी के टिकट पर विधायक बने। 1969 में श्याम सुंदर लाल गुप्ता ने जीत दर्ज की और कांग्रेस का खाता खोला। 1974 में कांग्रेस एक बार फिर इस सीट पर काबिज हुई और अम्मार रिजवी विधायक बने। 1977 में जेएनपी के राम नारायण वर्मा यहां से विधायक चुने गए और वहीं 1980 में कांग्रेस के अम्मार रिजवी दोबारा विधायक बने। इसके बाद 1985 और 89 में कांग्रेस के ही टिकट पर लगातार दो बार मोहम्मद आमिर खान विधायक बने और वहीं 1991 में इस सीट पर बीजेपी का खाता खुला और नरेंद्र सिंह वर्मा विधायक चुने गए। 1993 में भी यहां से नरेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की। वहीं 1996 की बात की जाए तो कांग्रेस के अम्मार रिजवी ने एक बार फिर इस सीट पर कब्जा किया। 2002 में चुनाव से सपा ने जबरदस्त वापसी की और नरेंद्र सिंह साइकिल पर सवार हो गए। इसके बाद 2002 से लेकर 2017 तक नरेंद्र सिंह ने लगातार चार बार जीत दर्ज की। तो सियासी समीकरण महमूदाबाद सीट का, 1967 में बी प्रसाद एसएसपी के टिकट पर विधायक बने, 1969 में कांग्रेस के श्याम सुंदर लाल गुप्ता जीत दर्ज की, 1974 की बात करें तो कांग्रेस के अम्मार रिजवी विधायक बने, 1977 में जेएनपी के राम नारायण वर्मा विधायक चुने गए, 1980 में कांग्रेस के अम्मार रिजवी दोबारा विधायक बने, 1985 और 89 में कांग्रेस के मोहम्मद आमिर खान जीते, 1991 में बीजेपी के नरेंद्र सिंह वर्मा विधायक बने, 1993 में भी यहां से नरेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की, 1996 में कांग्रेस के अम्मार रिजवी ने यहां पर कब्जा जमाया। में सीट पर बसपा ने कब्जा जमाया और बसपा के हरगोविंद भार्गव विधायक बने और सपा के मनीष रावत को 2510 वोटों के अंतर से हार मिली। 2012 चुनाव में इस सीट पर सपा को जीत मिली और सपा के मनीष रावत विधायक चुने गए। वहीं बसपा के डॉक्टर हरगोविंद भार्गव को 6631 वोटों के अंतर से हार का मुंह देखना पड़ा। सीतापुर जिले के विसुधौली विधानसभा पर 1957 में पहली बार चुनाव हुआ और कांग्रेस के ताराचंद्र माहेश्वरी विधायक बनाए गए और वहीं 1967 में बीजेएस के एम दिन विधायक बने और के बाद कांग्रेस के टिकट पर 1969 और 1974 में लगातार दो बार श्यामलाल रावत विधायक बने। आपको ये भी बता दें कि 1977 में जनता पार्टी ने इस सीट पर कब्जा किया और गणेश लाल चौधरी यहां से विधायक बने। वहीं 1980 में पहली बार बीजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज की और रामलाल विधानसभा पहुंचे। 1985 में रामलाल ने कांग्रेस का हाथ पकड़ा और फिर विधायक बने। इसके बाद प्रदेश के सियासी समीकरण बदले तो 1989 में जनता दल के टिकट पर श्याम लाल रावत विधायक बने और वहीं 1991 में जनता पार्टी के टिकट पर भी श्याम लाल रावत ने जीत दर्ज की। इसके बाद 1993 के चुनावों के पहले श्याम लाल साइकिल पर सवार हुए और 1993 से लेकर 2002 तक विधायक बने रहे और वहीं 2007 की बात की जाए तो हरगोविंद भार्गव ने बसपा के टिकट पर लगातार पांच बार से विधायक श्याम लाल को करारी शिकस्त दी। हालांकि 2012 में इस सीट पर सपा के मनीष रावत ने कब्जा जमा लिया। 2017 के चुनाव में बसपा के हरगोविंद भार्गव ने यहां एक बार फिर अपना परचम लहराया। सिदौली का सियासी समीकरण आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। सीट पर 1957 में पहली बार चुनाव हुआ था। 1957 में कांग्रेस के ताराचंद्र माहेश्वरी विधायक बने। 1967 में बीजेएस के एम दिन ने जीत हासिल की थी। 1969 और 74 में कांग्रेस के श्यामलाल रावत विधायक बने। 1977 में जनता पार्टी के गणेश लाल चौधरी ने कब्जा किया सीट पर।
1980 में बीजेपी के रामलाल विधानसभा पहुंचे। में रामलाल ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते। 1989 से 2002 तक श्यामलाल रावत चुनाव जीते। 2007 में बसपा के हरगोविंद भार्गव विधानसभा जीते। 2012 में सपा के मनीष रावत ने कब्जा जमाया। 2017 में बसपा के हरगोविंद भार्गव ने अपना परचम लहराया। 2017 में सीट पर बीजेपी के रामकृष्ण भार्गव ने जीत दर्ज कराई और बसपा के मनीष कुमार रावत को 20,672 वोटों के अंतर से शिकस्त मिली। 2017 जिला की विधानसभा सीटों को लेकर हम बात कर रहे हैं। मिश्रिक की बात करें तो 2017 की बात कर लेते हैं। बीजेपी के रामकृष्ण भार्गव ने जीत दर्ज की और वहीं 2017 में बसपा के मनीष कुमार रावत को 20,672 वोटों से हराया था। बीजेपी के रामकृष्ण भार्गव ने 2017 में सीट पर जीत दर्ज कराई थी। बसपा के मनीष कुमार रावत को 20,672 वोटों से हराया था। 2012 के सीट पर साइकिल दौड़ी और रामपाल राजवंशी ने सपा की झोली में जीत डाल दी। आपको बता दें इस सीट पर बसपा के मनीष कुमार रावत को 1,522 वोटों से हार मिली। मिश्रिक की बात कर रहे हैं। 2012 में जो चुनाव हुए उसमें सपा के रामपाल राजवंशी ने जीत दर्ज की थी। बसपा के मनीष कुमार रावत को 1,522 से हराया था। और वहीं मिश्रिक विधानसभा सीट राजनीतिक लिहाज से पहली बार 1952 में वजूद में आई। 1952 में इस सीट पर पहले चुनाव में यहां से कांग्रेस के गंगाधर शर्मा और दलाराम ने बाजी मारी। वहीं 1957 में निर्दलीय प्रत्याशी मूलचंद और अवधेश कुमार यहां से विधायक बने। 1962 के चुनाव में SOC से अवधेश कुमार फिर विधायक बने और 1967 में आर बहादुर ने जीत दर्ज की और कांग्रेस ने फिर इस सीट पर कब्जा किया। 1969 के चुनाव में अवधेश कुमार SSP के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। वहीं 1974 के बड़े जनादार ने कांग्रेस को इस सीट पर फिर से काबिज किया और रामरतन सिंह को 1985 तक विधायक बना रहे। 1989 में निर्दलीय प्रत्याशी ओम प्रकाश गुप्ता ने जीत दर्ज की। 1991 में कांग्रेस के रामरतन सिंह यहां से जीतकर विधायक बने। 1991 के बाद कांग्रेस का जनाधार घटा तो सपा का तरफ से कई चीजें सामने। सपा पर जनता का भरोसा बढ़ा और इस कारण 1993 में सपा ने पहली बार यहां जीत दर्ज कराई और ओम प्रकाश गुप्ता विधायक बने। इसके बाद 1996 और 2002 में सपा टिकट पर ओम प्रकाश गुप्ता लगातार तीसरी बार विधायक बने। 2007 के बाद चुनाव में भी सपा का दबदबा इस सीट पर कायम रहा और अनूप कुमार विधायक बने। 2012 में सपा ने रामपाल राजवंशी को मैदान में उतारा और पांचवीं बार फिर जीत दर्ज की। 2017 में मोदी लहर में सपा का ये दुर्ग ढह गया और रामकृष्ण भार्गव यहां से विधायक चुने गए। मिश्रिक का ये सियासी समीकरण आपको बता रहे हैं। 1952 में जो चुनाव हुए उसके बाद 1957 में निर्दल प्रत्याशी मूलचंद और अवधेश कुमार विधायक बने। 1962 में SOC से अवधेश कुमार फिर विधायक बने। 1967 में कांग्रेस के आर बहादुर ने जीत दर्ज की। 1969 में अवधेश कुमार SSP के टिकट पर चुनाव जीते। 1974 से 1985 तक कांग्रेस के रामरतन सिंह विधायक रहे। 1989 में निर्दल प्रत्याशी ओम प्रकाश गुप्ता ने जीत दर्ज की। 1991 में कांग्रेस के रामरतन सिंह विधायक बने। 1993 में सपा के ओम प्रकाश गुप्ता विधायक बने। 1996 और 2002 में सपा के ओम प्रकाश गुप्ता जीते। 2007 में सपा के अनूप कुमार विधायक बने।
2012 में सपा के रामपाल राजवंशी पांचवी बार फिर जीते। 2017 में बीजेपी के रामकृष्ण भार्गव विधायक चुने गए। 2017 में बीजेपी के रामकृष्ण भार्गव विधायक चुने गए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहे जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।